राधे राधे, मानताइस किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बोनलेस चिकन करी। ये खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में काफ़ी इजी भी। बहुत ही कम टाइम में कोई भी इसे घर पे बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले यह कढ़ाई बिठा देंगे। कढ़ाई में फिर एक कप जैसा पानी ऐड करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे पहले से कट किया हुआ मसाले के लिए वेजिटेबल्स। पहले ऐड करेंगे प्याज जिसको मैंने क्यूब्स में काट के रखे थे। फिर ऐड करेंगे रेड चिली जिसको मैंने बीच में से जस्ट एक कट कर लिया था। फिर ऐड करेंगे गार्लिक। फिर ऐड करेंगे अदरक। फिर ऐड करेंगे टमाटर जिसको मैंने क्यूब्स में काट के रखे थे, और यहाँ मैं दो टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। फिर सब कुछ ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि सब कुछ अच्छे से बॉयल हो जाए। फिर 5 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे। देखिए सब कुछ अच्छे से बॉयल हो चुका है। फिर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फिर दोबारा से हम कढ़ाई बिठा देंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए उस पर हम ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच जैसा ऑयल यूज़ किया हुआ है। फिर ऑयल जब गर्म हो जाए उस पर हम 2 तेज पत्ते, 2 सूखा मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जैसा जीरा और ऐड करेंगे 9 से 10 करी पत्ते। फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तड़का का बहुत अच्छा एक खुशबू आए। फिर मसाले जब फ्राई हो जाए फिर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जैसा चीनी। इस रेसिपी में चीनी से आपको 2 फायदा मिलेगा। पहला, आपका सभी मसाले का एक बैलेंस बना रहेगा। दूसरा, इससे एक अच्छा सा कलर आएगा। फिर चीनी जब मेल्ट हो जाए उस पर हम चिकन का पीसेस ऐड कर लेंगे। फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर चिकन जब फ्राई हो जाए उस पर हम 1/2 चम्मच जैसा नमक ऐड करेंगे। फिर नमक के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर पहले का बॉयल किया हुआ मसाले का पेस्ट वो ऐड करेंगे। फिर उसको भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी एक एक करके सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हल्दी। फिर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। फिर ऐड करेंगे जीरा पाउडर। फिर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। फिर ऐड करेंगे चिकन मसाला। फिर सभी मसाले को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर चिकन बॉयल होने के लिए 10 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर 10 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे। फिर चिकन को मसाले के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक मसाले का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए मसाले का कलर काफ़ी डार्क हो चुका है। अभी हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर 3 से 5 मिनट के लिए दोबारा से ढक देंगे। फिर 5 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया हुआ है। फिर हम उसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी और 1 चम्मच जैसा गरम मसाला। फिर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर लास्ट में ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। इससे एक अच्छा सा खुशबू आएगा। सो रेडी हो चुका है हम लोगों का बोनलेस चिकन करी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों का फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करना।